Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, have you ever heard about the able to? Able to. What is the able to? Today I am going to teach about the able to. Dost, ye able to kya hai? Able to ka istemal hum kin sthitiyon mein karte hain aur kis tarah ke sentences mein karte hain? To aaj hum yahi sikhenge. Theek hai friend? To let's start the class of the day. फ्रेंड्स, एबल टू का इस्तेमाल ज़्यादातर हम आशक्ति या लाचारी प्रकट करने के लिए करते हैं. जिन सेंटेंसेस में आशक्ति या लाचारी बताई जा रही हो, उस तरह के सेंटेंसेस में हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कोई कहता है कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाता हूँ, या वो ऐसे भी बोल सकता है कि मुझसे पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता है. तो इन सेंटेंसेस का इंग्लिश हम किस तरह से बनाएंगे? I can't climb up the tree. ऐसा भी लोग बोल सकते हैं, बट यहाँ पर लाचारी या अशक्ति प्रकट की जा रही है, तो वहाँ पर हम can't नहीं लिखेंगे बल्कि able to का इस्तेमाल करेंगे. और able to कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो जैसे कि मुझसे पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता है, या मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाता हूँ, दोनों एक ही हुआ, दोनों का अर्थ एक ही हुआ. तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे कि आई एम नॉट एबल टू क्लाइंब अप द ट्री. वह नहीं बोल पाता है, या उससे बोला नहीं जाता है, तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक. वे लोग नदी नहीं पार कर पाते हैं, या उनसे नदी पार नहीं किया जाता है. मीन्स कोई भी मजबूरी हो सकती है कि उनको तैरने नहीं आता होगा, या कोई साधन नहीं है, लाचारी है या अशक्ति है, कुछ भी. तो उनसे नदी पार नहीं किया जाता, या वे नदी पार नहीं कर पाते हैं. तो दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द रिवर. ठीक है फ्रेंड? वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, या उससे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो ही इज़ Not able to speak English. उस बूढ़े से नहीं चला जाता है, यानी कि वो बूढ़ा नहीं चल पाता है. तो the old man is not able to walk. वह नहीं गा पाता है, या उससे नहीं गाया जाता है. He is not able to sing. ठीक है फ्रेंड? तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम एबल टू का इस्तेमाल करके बनाते हैं. कैन का इस्तेमाल करके बनाना वहाँ पर सही नहीं होगा. हम बोल सकते हैं लैंग्वेज में समझने के लिए, बट एबल टू का अगर आप इस्तेमाल करके बनाते हैं लाचारी और आशक्ति प्रकट करने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है फ्रेंड? अभी हम पास्ट में लेते हैं. जैसे पास्ट की बात करते हैं कि वह नहीं चल सका, तो आप बना सकते हैं ही कुड नॉट वॉक. बट ही कुड नॉट वॉक सिर्फ ये बताता है कि ही हैड एबिलिटी टू वॉक. वह चल सका, अगर हम वो ऐसा बोलते हैं कि वह चल सका या वह दौड़ सका, तो ही कुड रन ये बताता है कि ही हैड एबिलिटी टू रन और वॉक. उसके पास एबिलिटी थी दौड़ने की या चलने की, लेकिन चला कि नहीं चला, दौड़ा कि नहीं दौड़ा, ये पक्का नहीं होता है कूड वाले सेंटेंस में. ठीक है फ्रेंड? इसलिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि वह दौड़ सका, तो ही वॉज एबल टू रन. इसमें यह बताया जाता है, परफेक्ट हो जाता है कि वो दौड़ सका, मीन्स वो दौड़ा. वह पास कर सका, मीन्स वह पास कर पाया. तो ही कूड पास नहीं बोलेंगे, ही वॉज एबल टू पास. एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड कि ही कूड पास बोलने से ये पता चलता है कि ही हैड एबिलिटी टू पास. उसके पास एबिलिटी थी पास होने की, बट पास हुआ कि नहीं हुआ ये पक्का नहीं कहा जा सकता है. ठीक है ना फ्रेंड? इसलिए इसको हम बनाएंगे ही वॉज एबल टू पास. वह
मेरी मदद नहीं कर पाया या वह मेरी मदद नहीं कर सका। ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प मी। ठीक है ना फ्रेंड, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। ही वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब अप द ट्री। वो कल नहीं आ सका, मीन्स वो कल नहीं आ पाया। तो ही वॉज नॉट एबल टू कम यस्टरडे। गीता डांस कर सकी, तो गीता वॉज एबल टू डांस। गीता कुड डांस कहना सही नहीं होगा, गीता वॉज एबल टू डांस। अब हम जानेंगे कि फ्यूचर में एबल टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मैं नहीं आ पाऊँगा या मुझसे नहीं आया जाएगा, आई शैल नॉट बी एबल टू कम। वह पास नहीं कर पाएगी या उससे पास नहीं हुआ जाएगा, शी विल नॉट बी एबल टू पास। वे लोग नहीं जीत पाएंगे या उन लोगों से जीता नहीं जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू विन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि एबल टू का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। एबल टू से अशक्ति या लाचारी प्रकट होती है, तभी हम एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से कि एबल टू का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और किन स्थितियों में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।